गाइस वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग और आज हम लोग जा रहे हैं उमेद पैलेस जोधपुर के, जिसे हम छितर पैलेस के नाम से भी जानते हैं। चलिए चलते हैं उमेद पैलेस की तरफ। भाई उमेद पैलेस जो है छितर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो जोधपुर का अपना पत्थर है छितर, उससे बना हुआ है। और जोधपुर में रहता हूँ, मेरे को ये बात नहीं पता थी। क्या बात कर रहे सच में? सही, मेरे को ये पता था छितर पैलेस के नाम से जाना था, लेकिन छितर पत्थर के नाम है यहाँ का। छितर पत्थर है ना, जो जैसे मेरे घर पे भी तूने देखा होगा। अच्छा, जो बाढ़ लगा हुआ है ना, यूज होते हैं वो। ये अपना सूर सागर में पाए जाते हैं ये पत्थर। अच्छा, है ना, जो सूर सागर में जो खान है वहाँ सिविल इंजीनियर वहाँ सिविल इंजीनियर तो उससे बना हुआ है, और महाराजा उमेद सिंह जी ने बनवाया, इसलिए उनके नाम पे है उमेद पैलेस। अच्छा, और उन्होंने इसलिए बनवाया था कि सन 1928 के अंदर अपने मारवाड़ एरिया में अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ गया था तो क्या था कि लोगों को खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, गरीबी छा गई। तो उमेद सिंह जी ने सोचा कि क्यों ना इन गरीब लोगों की या जो मजदूर लोग जो है उनकी किस तरह से अपन मदद कर सकते हैं, ठीक है। पर उनको फ्री में नहीं करनी थी, वो चाह रहे थे कि कोई निकमा नहीं बने, जिसको अपन मारवाड़ी में निकमा कहते हैं ना, कि घर बैठे किसी को पैसे नहीं देने हैं। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि एक भवन का या जो एक पैलेस जिसको अपन कहते हैं ना, उसका निर्माण करें, ताकि लोगों को मजदूरी भी मिलती रहेगी, लोगों के घर में पैसा आता रहेगा। और जो क्योंकि वो एक किंग थे, राजा थे, उनको अपने एक महल भी बनवाना था, उन्होंने महल भी बनवा लिया। तो 1928 में दो निशाने किए, एक तीर से दो निशाने किए, सही है। तो 1928 में बनवाना शुरू किया था उन्होंने, करीब उनको 15 साल इसको लग गए बनाने में पैलेस को, जो 1943 में आई गेस इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। 15 साल क्योंकि बहुत ही बड़ा है, और पुराने टाइम में टेक्निक्स जैसे कम हुआ करती थी ना, उनको टाइम लगता था, क्रेन नहीं होती थी बड़े बड़े पत्थर लगाने, हर चीज का टाइम लगता था, सिर्फ मैन पावर पे काम होता था, या थोड़ी बहुत जो उनके पास टेक्निक हुआ करती थी उस पे करते थे। एग्जैक्टली क्या करता है रिकॉर्ड्स? अच्छा, कोरोना के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू। देखिए नजारा उमेद पैलेस का, ये देखिए ये गार्डन, और उस तरफ रॉयल्स का आर्ट्स रहती है सारी। उस वक्त उस तरफ जाएंगे जब बताता हूँ मैं। इंदिरा गांधी, नेहरू जी, महाराज उमेद सिंह साहब का फोटो 1944 का, और फैमिली के साथ भी फोटोग्राफ लगा हुआ है। लास्ट ही अंग्रेज लोग आया था वाइस ऑफ वो मेहरान रिपोर्ट का है, जो किला ये मेहरान रिपोर्ट है, मेहरान रिपोर्ट का है, ये मंडोर गार्डन है 1944 का इसका डेटो। अच्छा ये बताएंगे ये दोनों कौन कौन है मेन जो है, ये कौन से राजा रानी हैं? वो जवाहरलाल नेहरू। नहीं नहीं, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, महाराज उमेद सिंह जी, उमेद सिंह जी है। अच्छा, इंदिरा गांधी जी है उमेद सिंह जी के साथ। ओके, महारानी सर हो गई नाम, मदन कंवर भटियाणी जी, मदन कंवर भटियाणी जी लिखा हुआ। अच्छा ठीक है,
उमेद सिंह जी के चार राजकुमार थे, एक राजकुमारी के साथ करी बड़ौदा महाराजा फतेह सिंह गायकवाड़ साहब में करो था। अच्छा, पोती के साथ में फोटोग्राफ लगा हुआ चंद्रेश कुमारी नाम है, कांग्रेस पार्टी का, हिमाचल में शादी करने काम। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाला? जोधपुर ही जाओ। महात्मा गांधी हॉस्पिटल का हाई कोर्ट का बिल्डिंग बंडा विस्टम का दवाई पास और मेडिकल कैंप लगा था। अच्छा, मेडिकल कैंप किन जगह हो? गांव में लगाते थे जो अकाल पड़ गया लोगों ने सहायता देने के लिए। अच्छा, आजकल तो हॉस्पिटल काला घंटा नहीं, उसी टाइम का फोटोग्राफ लगा। ये इनकी लागत आई थी 54 लाख एकम में, 500 पैसे बिल्डिंग बनाना होटल के लॉबी का है। अच्छा, बताइए एक बार, ये अपन लॉबी का दिया मेन डॉम का, और ये डॉम वो वाला है जो 5-star होटल में है। अच्छा ठीक है, यही होटल में है, लास्ट फोटोग्राफ जोड़ा है, ये गार्डन होटल के पास। अच्छा, जस्ट पास वाली एंट्री जब होटल की। अच्छा, वहाँ कोई आमजन अगर जाना चाहे तो उसका क्या रहता है? आप एंट्रेंस में पता करना पड़ेगा मेन गेट। अच्छा, जो होटल का रूम है उसके डिजाइन का दिया हुआ। अच्छा, ये फोटोग्राफ है यहाँ से। माटाबू के मारा ना लेपर्ड, इनकी चमड़ी नहीं है ना, अंदर वो केमिकल डाला है उसे। अच्छा, माउंट आबू से? माउंट आबू से। ये महाराजा साहब बाबी का ही फोटो लगा, 4 साल के बच्चे थे। गज सिंह जी का बच्चे भी इनके बीच में खड़े हुए फोटोग्राफ ले। अच्छा, इन्हीं के बीच में ही। और ये उमेद सिंह साहब ये राजकुमारी बड़ौदा महाराजा फतेह सिंह गायकवाड़ साहब में शादी करा बड़ौदा। अच्छा, और ये कब की फोटो है नीचे वाली टाइगर के साथ? उसी टाइम गई है 1900। अच्छा,
ये वो एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर से पैलेस का कुछ हिस्सा देख पाए थे, जैसे कि जो म्यूज़ियम में जो यहाँ चीज़ें रखी हुई है, जो म्यूज़ियम एरिया है यहाँ पर, और ये जो एरिया है ये होटल का एरिया आ जाता है जो ताज के द्वारा जो है चलाई गई है। ये होटल काफ़ी लग्जरी, काफ़ी महंगी है, और इसी होटल में जो है मुकेश अंबानी ने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी, प्रियंका चोपड़ा ने अपनी शादी यहाँ पे करी थी, और भी कई सेलिब्रिटी इवेंट्स वगैरह जो है यहाँ वो होते रहते हैं। सो लग्जरी में से एक सबसे पहले यहाँ है मर्जिडीज, और ये रोल्स रॉयस, ब्लैक कलर, ओवरलैंड कार है जोधपुर की। दिस इज मॉरिस, आई थिंक इसी का नाम अब शायद मॉरिस गराज हो गया है, एंड मॉरिस का वो 1947 मेक है इसका। दिस इज बुक 8, दिस इज कैडिलैक, दिस इज अनदर कैडिलैक, वाओ व्हाट आर रोल्स रॉयल्स मैन, रोल्स रॉयल्स फैंटम सेकंड, एंड दिस इज रोल्स रॉयल्स फैंटम फर्स्ट। सो देखा आपने जोधपुर की रॉयल्टी, किस तरह की कार्स इतने पुराने सन में इनके पास हुआ करती थी। तो बस आज का व्लॉग मैं यही एंड करता हूँ उमेद पैलेस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।